हेलो फ्रेंड, मैं कैरिकेटर कोचिंग से आज आपके लिए दो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, जिसमें हम पहले इन्फॉर्मेशन पे चर्चा करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारे बच्चे को कुछ पता नहीं चल पाता, इसलिए जी वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो आज ये क्या हुआ कि बच्चों के बराबर कॉल आ रहे हैं, सर कोचिंग ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं, नहीं हो गई हैं। तो हमें तो भाई बताना पड़ रहा है कि कोचिंग अभी चालू नहीं हुई है, और उसका रीज़न बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। उसका एक तो रीज़न ये है कि भाई अभी गवर्नमेंट ने आदेश नहीं दिए हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस हम नहीं चला पा रहे हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस हमारी बराबर रेगुलर चल रही हैं। अब ऑफलाइन क्लासेस के आदेश नहीं आए हैं, इसीलिए क्लासेस चालू नहीं है। लेकिन बच्चों को, जो बच्चे पूछ रहे हैं, उन पर उनको क्या लगता है कि मार्केट खुल गई है, सारी और भी गतिविधियाँ ओपन हो गई हैं, तो अपनी कोचिंग चालू क्यों नहीं हुई? सर चालू नहीं कर रहे हैं। सर तो चालू करना चाह रहे हैं, बट कोचिंग चालू, आदेश नहीं आएगा तब तक चालू नहीं हो सकती है। अभी मुख्यमंत्री साहब ने आदेश दिया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अनलॉक कर दी हैं, तो अभी कोचिंग का भी आदेश आएगा, लेकिन कब आएगा? अभी सेकंड मीटिंग होगी बहुत जल्द, इनकी 2-4 दिन के अंदर ही सेकंड मीटिंग होने वाली है, जिस मीटिंग में पूरी उम्मीद है कि कोचिंग और अन्य गतिविधियाँ ओपन हो जाएंगी। तो अब वो सेकेंड मीटिंग का आदेश कब लागू होगा? 15 जून को, लेकिन मीटिंग हो जाएगी उससे पहले। तो थोड़ा सा आप घर पे वेट करें, और थोड़ा सा वेट करना है, वेट भी ना करें, आप घर पे स्टडी अपनी कंटिन्यू रखें, जो आपने पढ़ रखा है उसका एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि कोचिंग बहुत जल्द चालू होने वाली है, अपनी ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्द चालू होने वाली हैं। थोड़ा सा सब्र करें, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन कोचिंग को लेकर आती है, ओपन को लेकर, तो हम वो आदेश आपके टेलीग्राम या अन्य ग्रुप पर हम डाल देंगे, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। मतलब आप परेशान ना हो, कोचिंग चालू होने से पहले आपको पता चल जाएगा। अब भाई अभी यकीन नहीं है तो आपको देखो एक हेडलाइन दिखा दे रहा हूँ। अब संपूर्ण प्रदेश में प्रतिबंधित गतिविधियाँ, जिन बच्चों को नहीं पता है, देखो उनमें देखो प्रतिबंधित जो चीज़ बंद रहेंगी, उनमें आप देखो अपनी कोचिंग का भी नाम क्लियर आ जाता है कि कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान वगैरह ये सभी चीज़ें अभी बंद रहेंगी अपने मध्य प्रदेश में। तो अभी देखो सेकेंड आदेश जल्दी आने को है, तब तक आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अभी एक आदेश आप अपना देख लीजिए, कोचिंग ने अभी एक नई पहल चालू की है क्या, करंट अफेयर्स की, जिसमें हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। जो भी हमें लगेगा आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें लगा करेंगे, वो आपके लिए बनाकर हम डाला करेंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर थोड़ा सक्रिय रहें, और सुबह मॉर्निंग में आपको ये PDF मिल जाया करेगी करंट अफेयर्स की। तो सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये थी, तो आप बराबर अब रेगुलर अपने रेडी रहा करें, और अपनी करंट अफेयर्स कंटिन्यू अच्छी दिन ब दिन अच्छी करते रहें, ठीक है? तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहें और घर पर अपनी तैयारी करते रहें, और जो बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो बच्चे वैक्सीन भी लगवा लें। अभी स्लॉट काफ़ी खाली चल रही है, 11 बजे के टाइम पर ओपन हो जाती है स्लॉट, तो अपने 11 बजे के टाइम पर अपना आधार कार्ड लेके ये अपना कोविड वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कर लें और कोविड वैक्सीन लगवा लें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।